हेलो एवरीवन, क्लास 10th बेसिक मैथ सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 22 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर इससे प्रीवियस वीडियो तुमने अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, आ जाओ फटाफट से चेक करते हैं। 22 में दिया है इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है ये ऐसा समझोगे, जैसे एक हमने लिया सेंटर और इस सेंटर से हमने दो सर्कल का फॉर्मेशन किया, है ना। आप चाहो तो बहुत ज्यादा सर्कल का फॉर्मेशन कर सकते हो, बट क्वेश्चन में दिया है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, इसीलिए हम लोग यहां पर दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल कुछ इस टाइप से बनाते हैं। मतलब दोनों का सेंटर तो एक ही पॉइंट है, बट हमने जो सर्कल बनाया है वो एक के ऊपर एक बना दिया है, यानी एक बड़ा सर्कल होगा उसके अंदर एक छोटा सर्कल होगा, लेकिन दोनों का जो सेंटर होगा वो सेम होगा, तो उसे हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। फिर उसके आगे क्या दिया है, अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल। अब जो लार्जर सर्कल है उसका कॉर्ड दिया है, यानी कि कुछ इस टाइप से दिया हुआ है कि ये तुम्हारा लार्जर सर्कल है, इसका जो है वो कॉर्ड तुम्हें दिया हुआ है कितना, 8 सेंटीमीटर, है ना, जो कि टचेस करता है स्मॉलर सर्कल को, दिख भी रहा है तुम्हें, है ना, स्मॉलर सर्कल को ये टच भी कर रहा है। इफ द रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, जो लार्जर सर्कल है, है ना, उसका रेडियस तुम्हें दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर, तो ये लेंथ तुम्हें दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देन फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, तो स्मॉलर सर्कल का रेडियस यानी कि ये तुम्हें फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। ठीक है, ये सिंपल फॉर्म में तुम्हें फाइंड आउट करना है कि क्या होने वाला है वे वैल्यू। तो आ जाओ इसको हम लोग साइड में लिखते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो देखो, है ना, ये है तुम्हारे पास कोई सेंटर, इससे तुमने एक सर्कल ये बना दिया, ठीक है सर, बना दिया सर, और दूसरा सर्कल तुमने ये बना दिया, है ना। एक भाई साहब कैसा घटिया सर्कल दिख रहा है, सपोज कर लोगे कि ये सर्कल है, है ना, हाँ सर सपोज ही कर सकते हैं, ऐसा बकवास सर्कल। ठीक है, हमें क्या बोला है, जो बड़े बड़े वाले सर्कल का यानी कि जो लार्जर सर्कल का कॉर्ड है ना वो स्मॉलर सर्कल को टच करता है, तो वही उस टाइप का जो अभी हमने बनाया था वही बना देंगे हम लोग, कि ऐसा कुछ हमारे पास पॉइंट देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ हमें पॉइंट देखने को मिलेगा, इसको सपोज कर लो ए बी, हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है, उसके साथ साथ जो लार्जर सर्कल का रेडियस है वो तुम्हें 5 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि ये वाला जो वैल्यू दिया है वो तुम्हें कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, यानी कि ये वाला पॉइंट तुम्हें फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। अब तुम्हें पता है कि अगर ये लाइन कुछ इस टाइप से आया है तो यहां पर एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, उसके साथ साथ इस सेंटर को हम लोग ओ ले लेते हैं और इस पॉइंट को कुछ भी ले सकते हैं, है ना, ए बी सी सी ले लेते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है ना, हमने इस टाइप से कुछ पॉइंट ले लिया। अब तुमने एक थ्योरी क्लास 9th में पढ़ रखा है, सर 9th में पढ़ रखा था, 9th का हमें कुछ याद नहीं है सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, झंझट मत लो। ठीक है, देखो क्या है कि अगर ये तुम्हारे पास कॉर्ड है, ये तुम्हारा सेंटर है, यहां से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये हमेशा इसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, क्या करता है, हमेशा बाइसेक्ट करता है, यानी कि अगर टोटल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो इधर कितना हो जाएगा, 5, और इधर भी कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा तुम्हारा 5, एक सेकंड भाई, और इधर भी तुम्हारा लेंथ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना, दोनों 5-5 हो जाएंगे कुछ इस टाइप से। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, टोटल लेंथ कितना दिया है तुम्हारे पास, टोटल लेंथ हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, है ना, यानी कि यहां से यहां तक का जो लेंथ दिया है वो तुम्हारा दिया हुआ है कितना, 8 सेंटीमीटर, तो उस बेसिस पे ये लेंथ तुम्हारा कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, और ये लेंथ भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, दैट इज 4 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसे हमें पता चला कि ये 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा, इसलिए हमें पता चला क्योंकि ये जो तुम्हारा था कॉर्ड ए बी, जो तुम्हारा कॉर्ड है लार्जर सर्कल का, वो छोटे वाले सर्कल के लिए क्या है, टेंजेंट है भाई साहब, ये वाला क्या है, टेंजेंट है छोटे वाले सर्कल के लिए, और टेंजेंट पे जब भी रेडियस ड्रॉ होता है वो हमें पता है कि क्या करता है, 90 डिग्री एंगल का फॉर्मेशन करता है। तो उसी टाइप से यहां पर तुम लेट कर लोगे कि जो ओसी है, है ना, ओसी है वो परपेंडिकुलर होगा किस पे, एबी पे, है ना, ओसी जो है वो परपेंडिकुलर है एबी पे, तो इसका मतलब अगर हमें एसी निकालना है, अगर हमें एसी निकालना है तो एसी क्या होगा, हाफ ऑफ एबी,
क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी होगा, यानी हाफ ऑफ ए बी, ए बी का लेंथ था 8 सेंटीमीटर, तो इसका अगर तुम हाफ कर दो तो ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ए सी कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर तुम्हें देखने को मिल जाएगा। तो उस बेसिस पे तुम्हें ओ सी जो है, ये रेडियस जो है आर, तुम्हें फाइंड आउट करना है, ठीक है, फाइंड आउट करना है। तो सिंपल फॉर्म में चलोगे कि इन ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल नॉट ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ सी ए, है ना, ओ सी ए, इसमें अगर हम लोग चलें तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है, यानी कि रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, है ना, इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस प्लस सॉरी माइनस, है ना, यही होता ना कि परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, और बेस कितना दिया है 4, तो 4 का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे, 4 का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। तो रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया 25, माइनस का कितना हो गया 16, तो रेडियस तुम्हारे पास आ जाएगा इधर तो 9 आएगा और स्क्वायर से इधर आ गया रूट, तो इसको रूट से बाहर निकालोगे तो प्लस माइनस में बाहर निकलेगा, लेकिन क्योंकि हम लोग डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो माइनस का तो कोई सवाल ही नहीं है, 3 सेंटीमीटर जो होगा वो तुम्हें इसका क्या देखने को मिलेगा, आंसर देखने को मिलेगा, है ना, ये जो है 3 सेंटीमीटर ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एकदम सिंपल फॉर्म में तुम इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप कि तुम्हें ये क्वेश्चन भी एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन जो है वो किया है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो क्वेश्चन नंबर 23 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन तुम जरूर चेक कर लोगे।